नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपको टुडेज न्यूज में। और आज हम फिर से हाजिर है हरियाणा राज्य की 20 बड़ी खबरों के साथ। रेवाड़ी में बनेगा हरियाणा का पहला एम्स। सीएम खट्टर ने सदन में किया ऐलान। एम्स पर भिड़े भूपेंद्र हुड्डा और दो मंत्री। गीता भुक्कन ने कहा, इस झज्जर से रेवाड़ी गया एम्स तो करेंगे विरोध। भाजपा सांसद रतन लाल कटारिया से सरकार से की मांग, कहा धारा 370 तुरंत समाप्त की जाए। पुलवामा हमले के बाद सातवें आसमान पर खिलाड़ियों का गुस्सा, पाक की नापाक जमीन पर खेलने से किया इनकार। रोहतक पीजीआई से गायब हुई नवजात बच्ची को पुलिस ने किया बरामद, आरोपी महिला गिरफ्तार। कश्मीर में पत्थरबाजी का मैं खुद भुगत भोगी हूं, जान बचा करके वहां से निकला था, कहा मनोहर लाल खट्टर ने। राजनीतिक पाला बदलने का सिलसिला जारी, कांग्रेस में शामिल हुई हरियाणा जदयू की इकाई। चौटाला ने कहा, भाजपा का एजेंडा नहीं रख सकते, सीएम का जवाब नीतियों की वजह से जीते उल्लेख तो करेंगे। हरियाणा में रोज 12 घंटे स्टडी और 100 से अधिक मॉक टेस्ट हल करके जानवी ने सीएम से हासिल किया देश भर में तीसरा स्थान। हरियाणा में रोज 12 घंटे स्टडी और 100 से अधिक मॉक टेस्ट हल करके जानवी ने सीएस में हासिल किया देश भर में तीसरा स्थान। हरियाणा विधानसभा का बजट सेशन शुरू, 60 नई मेट्रो परियोजनाएं देंगी विकास को गति, रोड मैप पेश। नियमों को ताक पर रख करके सरकार पूरी कर दी गई मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर की एक ख्वाहिश, बनेंगी अब डॉक्टर। आईपीएस मनोज यादव ने संभाला हरियाणा के नए डीजीपी का कार्यभार, हरियाणा पुलिस को बताया सर्वश्रेष्ठ। रंग ला रही है बेटी बचाओ मुहिम, सोनीपत में लिंगानुपात 870 से बढ़कर के हो गए 937। हरियाणा में नशीला पदार्थ पिला करके छात्रा से रेप करके बनाई अश्लील वीडियो, धमकी देकर के रचाई फर्जी शादी। रेवाड़ी के CIA पुलिस ने किया एक इनामी बदमाश को ढेर, 5 दबोचे गए। अंबाला के सांसद ने कहा, अगर राम मंदिर नहीं बना तो दे देंगे इस्तीफा। 50 से अधिक वाहनों की चोरी कर चुका शातिर आया गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में। पेशी से वापसी पर पुलिस वैन की जाली काट करके 3 कैदी फरार, एक को दोबारा पकड़ा। लोकसभा चुनाव 2019 में हरियाणा में कमजोर परफॉर्मेंस वाले बीजेपी सांसदों का कट सकता है टिकट। लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव करवाने की अटकलें हुई तेज, सीएम ने अमित शाह से मिलकर के किया मंथन। और इसी के साथ आज की ये 20 बड़ी खबरों का होता है समापन। कल फिर हाजिर होंगे हम हरियाणा की कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहें हमारे न्यूज़ चैनल। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।